श्री कृष्णाय नमः। आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी के पुष्टि मार्ग में आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि जीव को श्री ठाकुर जी को भोग धर के ही जल और महाप्रसाद ग्रहण करने का उपदेश किया है। निवेदिभिः समर्पयेव सर्वं कुर्यादिति स्थिति। अतः प्रत्येक हम पुष्टि जीवों को जल और महाप्रसाद श्री ठाकुर जी को धर के ही ग्रहण करना चाहिए। करी ब्रह्म संबंध निष्पाप थाओ समर्पी पदार्थो पचि सर्वक। और पद्म पुराण में भी जो हम भगवत महाप्रसाद ग्रहण करते हैं उसकी महत्ता, उसका महात्म्य बताया हुआ है। आज हम पुराणों में भी देखें तो हमें भगवान का महाप्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा उपदेश प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में भी बड़े से बड़ा पाप हो वो भी भगवान के महाप्रसाद ग्रहण करने से नष्ट हो जाता है, ऐसा उपदेश किया है। और पद्म पुराण में तो मुकुंदाशन शेषम तु यो भुक्ते दिने दिने सिक्थे सिक्थे भवेत पुण्यम चांद्रायण शताधिकम। जो शास्त्रों में अति कठिन है ऐसे चांद्रायण व्रत समान फल या चांद्रायण व्रत जितना फल हमें भगवान के महाप्रसाद के एक एक कोर में, और वो भी सौ सौ चांद्रायण व्रतों का फल हमें भगवान के महाप्रसाद के एक एक कोर में प्राप्त होता है। तो ये भगवत महाप्रसाद की महिमा है, महात्म्य है। तो हम सब पुष्टि जीवों को जैसे पद साहित्यों में भी आज्ञा करी है, उदर भरण को करो रसोई सोई भोग धरे। हम उदर भरने के लिए रसोई करते हैं, वो भी भोग धरे बिना ग्रहण नहीं करना चाहिए। मीठो जल पावन को लावे तासो जारी भरे। जल जो हम पीते हैं वो भी ठाकुर जी को जारी जी धर के उसके प्रसाद रूप में ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ये भगवत महाप्रसाद की महिमा पुष्टिमार्गीय दृष्टिकोण से और पुराणों शास्त्रों में वर्णित इसके फलों के विवरण से यहाँ प्रस्तुत किया है। तो सभी वैष्णवजन समर्पित श्री ठाकुर जी को धरा हुआ महाप्रसाद ही ग्रहण करें, ऐसा भाव यहाँ रखते हुए विराम।